शहर ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ का प्रसिद्ध रोकड़ी ज्वेलर्स हमेशा ही अपने ग्राहकों के विश्वास को, उनके पसंद को ख्याल में रखते हुए विविध योजनाओं को ग्राहकों के लिए लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में रोकड़ी ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है हैप्पी कस्टमर सीजन 3, जिसमें कुछ हैप्पी कस्टमर्स ने BCN न्यूज समक्ष अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। आइए डालते हैं एक नज़र। सुप्रसिद्ध ज्वेलर्स रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ही अपने अलग अलग उपक्रम की वजह से जो है ग्राहकों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। आज एक बार हैप्पी कस्टमर्स लेकर आया है रोकड़े ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स के लिए हैप्पी कस्टमर सीजन 3 में कुछ कस्टमर्स चुने गए हैं। हमारे साथ कस्टमर्स हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह का अनुभव आया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका। क्या बताओगे, आप कहाँ से हो बेसिकली और रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम श्रद्धा आशीष मिरखेड़ है, मैं नागपुर से ही हूँ प्रॉपर। और रोकड़े का एक्सपीरियंस मेरे साथ में 15 इयर्स का रहा है अभी तक का। इतवारी वाली शॉप से लेके एयरपोर्ट तक का चारों शॉप्स में शॉपिंग कर चुकी हूँ और मैं जब भी जाती हूँ तब भी मुझे कुछ एंटीक और यूनिक कलेक्शन हमेशा मिलता ही है और मैं कुछ ना कुछ खरीद कर लाती हूँ। इस बार जो है हैप्पी कस्टमर सीजन 3 की जो थीम रखी गई है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमें पता है कि एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी
कोई मतलब जो है वारसा हम बोलते हैं वो दिया गया है, तो यहाँ की ज्वेलरी के बारे में आप क्या बताओगे? हर तरह की ज्वेलरी मतलब यहाँ हमें दिखाई दे रही है, आप क्या बताओ? ट्रेडिशनल से लेके जो हम वेस्टर्न ज्वेलरी वेयर करते हैं ना, तो ऐसा ही नहीं कि गोल्ड में और डायमंड में ही कलेक्शन है, उसके अलावा भी सिल्वर हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, या फिर और बाकी की भी चीज़ों में आप देखेंगे ना, तो ज्वेलरी में जो मतलब जैसे हमें चाहिए रहता है, हम जैसे कुछ फंक्शन रहा घर में या फिर कोई प्रोग्राम रहा, तो हम लोग सिर्फ ढूंढते हैं कि नहीं कपड़ों की कोई एक शॉप चाहिए ऐसी कि जो परमानेंटली हम लोग जाए और ख़रीदे, और ज्वेलरी में कोई शॉप चाहिए रहती, तो एक जो ज्वेलरी का शॉप चाहिए था ना नागपुर के वासियों को स्पेशली, तो वो अब मिल चुका है। अब रोकड़े के अलावा तो और कहीं जाने की इच्छा होती नहीं है। और आप सीरियसली पता है क्या है? मतलब विजिट कीजिए, आइए, आपको इतना एंटीक और यूनिक कलेक्शन जो मिलेगा ना वो एकदम फैबुलस है, मार्वलस है। प्लीज़ आप यहाँ पर आइए और शॉपिंग कीजिए, निराश होकर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। रोकड़े की सर्विस के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? सर्विस एक्चुअली मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं। छोटे से छोटा अगर मुझे पानी भी कोई दे रहा है ना, तो वो जो आंटी है जैसे, वो हमेशा आते हैं, मिलते हैं, स्माइल करते हैं, मुझे कभी कोई दिक्कत का तो सामना हुआ नहीं, और सभी के सभी एकदम फैमिली रहे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भी हमारे साथ हैप्पी कस्टमर्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या बताओगे आप बेसिकली कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, और कितने सालों से आप रोकड़े ज्वेलर्स से जुड़े हो? मेरा नाम निशिता मुंदरा है, मैं नागपुर से ही हूँ। रोकड़े ज्वेलर्स में तो हम लोग काफ़ी सालों से आ रहे हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और हर यहाँ की हर ज्वेलरी जैसे हमारा टेस्ट है वो हिसाब से हमको मिल जाता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब मोस्टली हम लोग यहीं आते हैं, यहीं से परचेस करते हैं। यहाँ की ज्वेलरी के बारे में क्या बताओगे? मतलब अभी जो थीम रखी गई है पीढ़ी दर पीढ़ी की, ये थीम है, तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, मतलब ये पीढ़ी को जो पसंद आया है वही गहना तो अगली पीढ़ी को पसंद आए, ये बात नहीं मतलब नहीं हो सकता है। जो आपको पसंद है आपकी बेटी को वही गहने पसंद आए, वो उनकी जनरेशन से मतलब हिसाब से जो है अलग कुछ गहने, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, यहाँ तो हर जनरेशन के लिए ज्वेलरी है, और जहाँ तक है कि सभी को शायद पसंद आ जाएगी। हम लोग जब भी लेकर गए हैं सबको पसंद आई है, कोर्स फॉर मेरी बेटी के लिए भी लेकर गए हैं, तो हमेशा सबको पसंद आई हुई है मैम। मतलब ऐसा बताइए कि यहाँ जो ज्वेलरी है हर जनरेशन। रोकड़े ज्वेलर्स हैप्पी कस्टमर सीजन 3 के कस्टमर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या बताओगे, आपका नाम क्या है, और रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? नमस्कार, मैं अश्विनी राजेश चोलवार रोकड़े ज्वेलर की इस पुरानी कस्टमर हूँ। जब से लक्ष्मी नगर में रोकड़े ज्वेलर्स आए हैं तब से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ की ज्वेलरीज मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का मेकिंग चार्जेस बहुत रिजनेबल है, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आती है और बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आके ज्वेलरीज लेके। और क्या कहे, नागपुरकरांचा दागिना रोकड़े ज्वेलर्स आणि पूर्ण फॅमिलींचा दागिना रोकड़े ज्वेलर्स, थैंक यू। ज्वेलरीचं सगळे सोल्यूशन्स अंडर वन रूफ म्हणजे रोकड़े ज्वेलर्स। रोकड़े ज्वेलर्स की जो मतलब आपने तो एक ही इसमें बोल दिया है कि नागपुर करंसा दागिना रोकड़े ज्वेलर्स, ये बात तो सही है। यहाँ की ज्वेलरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से यहाँ की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो सबसे बेस्ट है। मुझे ट्रेडिशनल का ज़्यादा शौक रहा है, हम लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं तो यहाँ से मैं हर फेस्टिवल के लिए ज्वेलरीज लेती हूँ, तो सबसे बेस्ट है। मेकिंग चार्जेस और उसका क्रिएशन बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए शायद हम हैप्पी कस्टमर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जनरेशन की बात करें तो यहाँ एक ही छत के नीचे हर जनरेशन के लिए ज्वेलरी मिलेगी मैम, चाहे बच्चे हो, चाहे जैसे मेरी सासू मॉम हो, या मेरे लिए हो, सबके लिए एक ही छत के नीचे ज्वेलरी मिलेगी मैम। जी, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है ये एड कैंपेन के लिए,
और ये ऑल्सो ग्रेटफुल है रोकड़े ज्वेलर्स को, क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें. यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, दे नेवर डिसअपॉइंट अस विद देयर डिज़ाइंस और देयर सर्विसेज. एंड हर सीज़न, हर फेस्टिवल्स के लिए बहुत यूनिक डिज़ाइंस होती है कि बहुत टाइम नहीं लगे, आप जो देखो वो पसंद आ जाता है, वैसा है. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं सबको अपने कैंपेन्स के साथ, तो वो भी बहुत अमेजिंग है. बिल्कुल. यहाँ की ज्वेलरी के बारे में क्या बताओगे? जैसे हमने ये जो इसकी थीम है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हर पीढ़ी के गहने जो है आपको मतलब क्या लगता है उसके बारे में? जैसे आप देख ही रहे हैं, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मैं, हम अपने अपने चॉइस के हिसाब से और अपने जनरेशन के हिसाब से जैसे हमें लगता है जैसे सूट होता है वैसे सब पहन के है, तो काफ़ी हम सैटिस्फाइड है विद द काइंड ऑफ ज्वेलरी दैट यू आर वेयरिंग राइट नाउ. एंड यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडिंग ज्वेलरी है, प्लैटिनम से लेके रोज़ गोल्ड से लेके एंटीक ज्वेलरी से लेके सब, तो वो मतलब कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर. थैंक यू. ये बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं हम लोग कि इतने सालों से काफ़ी जगह से हम लोगों ने गोल्ड परचेस किया, बट यहाँ पर एक जो जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है और एक सिंगल रूफ में सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो डिज़ाइंस अवेलेबल है, तो हम लोगों को ही जाने की ज़रूरत नहीं होती. और जो ट्रस्ट बना हुआ है रोकड़े का, सो वी आर वेरी हैप्पी. काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं डिज़ाइन, एंड देन उसके बाद जो रेट्स हम लोगों ने कंपेयर किया तो वो बेस्ट मेकिंग चार्जेस लगता है यहाँ पर, तो दैट्स वाई हम लोग रोकड़े के अलावा कहीं और स्विच नहीं करते. मधनं पण महालपासनची कस्टमर आहे, तिथले जवळपास गेल्या 30 वर्षापासनं महालमध्ये खरेदी करायची, आणि मला खूप छान म्हणजे आवडतं तिथलं महालमधलं पण, आणि इथले पण सगळेच खूपच छान सर्विस देतात, म्हणजे खूप छान आहे. खूप छान वाटतं आहे, खूपच छान एक्सपिरियन्स आहे, बिकॉज आपल्या नागपूरमध्ये ही एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे, आय ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट, अँड इट्स अ रोकडे, सो आय एम ओवरवेल्म टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग ऑर बिंग अँबॅसिडर फॉर द रोकडे ज्वेलर्स. हे लक्ष्मीनगरचं शॉप अराउंड 3-1 वर्षापासून मी इथली रेग्युलर कस्टमर आहे, अँड बिलीव मी आय नेवर फाउंड any of the ornament to step out and buy from some other shop, because it's not just the material and the variety, but it's a very good hospitality. It's like a next family to me, and either adicha chapla mahal sachi juni branch hai rokde chi tachi pan khup traditional customer ahe, so you know it's been amazing for us to get again connected with rokde here. It's very nearby for us, and I would say that not only variety but the hospitality is the highlight of this brand. Thank you so much. क्या बताओगे यहाँ के गहनों के बारे में, क्या बताओगे मतलब जिस तरह की हर ट्रेडिशन के हम मतलब ट्रेडिशनल गहने हैं, आपने ऑक्सीडाइज इतने सुंदर गहने पहने हैं, देन आंटी ने भी मोतियों के गहने पहने, क्या बताओ? ॲक्च्युली खरं सांगायचं झालं तर मराठमोळे आणि अगदी टिपिकल दागिने जे आहेत ते इथे खूप छान पद्धतीने अवेलेबल असतात. म्हणजे फक्त स्त्रियांचेच दागिने असं नाही, तर मी महालक्ष्म्यांसाठी पण इतकं सुंदर सेट घेऊन गेले माझ्या सासरी आणि माहेरी की एव्हरीबडी कीप्स ऑन आस्किंग अबाउट इट, की इतकं छान रेअर डिझाईन्स आणि इतके सुंदर असल मराठमोळी डिझाईन्स असतात इथली, त्यामुळे इट्स व्हेरी प्रॉमिसिंग टू बी हिअर फॉर बाईंग द ट्रेडिशनल ॲज वेल ॲज वेस्टर्नाइज्ड ऑर यू नो डे टू डे जंक ज्वेलरी ऑल्सो. So it is a one shop for many requirements. Me Dr. Rashmi Mahulkar Muthal. Namaskar, मी राहुल जगदीश बोंद्रे. मी रोकडे ज्वेलर्सपासून गेल्या 5 वर्षापासून त्यांच्या संपर्कात आहे, आणि इथली सर्वात सांगण्याची गोष्ट म्हणजे अशी आहे की एक मंदिर आहे आमचं शिवमंदिर, तिथे आम्ही सोन्याचं त्यांना आवरण चढवणार होतो. ती कारागिरी इतकी बढिया केली आणि की गेल्या 3 वर्षापासून अजूनही जसच्या तसं आहे, आणि ते इतकं अप्रतिम झालेलं आहे की कोणी आल्यावरती विचारतं की कुठनं केलेलं आहे तुम्ही, तर आम्हाला अनुभव फारच छान आहे. थँक्यू रोकडे ज्वेलर्सला आम्ही थँक्यू म्हणतो आहे की आम्हाला त्यांनी चुनलेलं आहे, आणि खूपच आनंद वाटून राहिला आहे की रोकडे ज्वेलर्समध्ये जेव्हा पण आम्ही येतो तेव्हा आम्हाला त्यांची सर्व्हिस बाकीच्या गोष्टी खूपच छान भेटतात.
मी तर माझं सगळं दागिन्या इथनंच घेते. इवन माझ्या इयरिंग्स तर पूर्ण इथलेच आहेत. वरचं मी मागच्या वर्षी घेतलेलं आहे. म्हणजे अँटिक पीस इथे चांगल्याप्रमाणे मिळतात आम्हाला. आणि जी ज्वेलरी पाहिजे जी नसेल तर ती उपलब्ध पण करून देतात. वेगवेगळ्या ब्रांचेसपासून आम्हाला ती मिळून दिली जाते. आणि असंही नसतं की नकारात्मक नसतं. फोन करून विचारतात मॅडम तुम्हाला आवडलं की नाही आवडलं. त्यामुळे एकदम छान आहे इथली सर्विस. मला तर खूपच आवडले. आणि दागिना तर सगळ्यात सुंदर आहे. मोतीपासनं, स्टोनपासनं आणि गोल्ड. थँक्यू. जी मेरा नाम निहाली मस्के है. मैं रोकड़े से नॉर्मली 5 to 6 ईयर्स से शॉपिंग कर रही हूँ. और रोकड़े एक बहुत अच्छा ब्रांड है नागपुर का. आई वुड सजेस्ट कि रोकड़े ने ऑलमोस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र हमारा वो करना चाहिए. मतलब उन्होंने खुद ही अपना एक्सप्लोर करना चाहिए. इनफैक्ट उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी है कि वॉट एवर कस्टमर्स दे आर सर्विंग नाउडेज इन नागपुर वो हर सर्विसेज अपनी बहुत अच्छी देते हैं. इनफैक्ट उनके जो इंस्टॉलमेंट्स वाला जो एक सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप जितना मर्जी है जितने अपने हिसाब से आप जितना चाहे उतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. और उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें मिलते हैं. इवन मेरे खुद के अभी यहाँ पर 3 से 4 प्लान्स चालू है. और मैं रोकड़े से कम अभी लास्ट 3 to 4 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ. मैंने कई सारे इवेंट्स भी किए हैं. कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए और कस्टमर्स को खुश करने के लिए रोकड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो करता है वो आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी और ज्वेलर्स ने किया है. सो आई विल रियली थैंक रोकड़े फॉर ऑल दिस इवेंट्स विच दे आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर अस. थैंक यू सो मच. सर्विस तो मैंने बोला कि रोकड़े की एकदम आउटस्टैंडिंग है. रोकड़े को मैं पूरे ऑल ओवर नागपुर महाराष्ट्र में प्रेफर करूँगी कि जितने भी कस्टमर्स रोकड़े से अगर एक बार जुड़ गए तो वो हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे. और ज्वेलरी का इनके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है, लाइक गोल्ड में, प्लैटिनम में और इनफैक्ट सिल्वर में भी इनके पास इतने ज़्यादा कलेक्शंस और इतने सारे डिज़ाइंस हैं कि आपको मतलब मैंने नहीं देखे अब तक कि बाकी सारे ज्वेलर्स में आपको इतने प्यारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे. और रेंज के वाइज भी रोकड़े में अगर आपको कम रेंज में भी अच्छा डिज़ाइन है वो भी मिल जाएगा. अगर आपको हाई रेंज में काफ़ी डिज़ाइंस चाहिए है वो भी आपको मिलेगा. अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने एक डिज़ाइन चूज़ किया है और आपको वो बना के चाहिए तो रोकड़े इज़ ऑल द वे ओपन फॉर एवरीथिंग. वो हमेशा आपके जो भी ज्वेलरी और डिज़ाइंस के लिए हमेशा फेमस है. तो मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो भी डिज़ाइंस मुझे पसंद आता है आई जस्ट बुक दैट. थैंक यू सो मच. So I am Disha Chajed. She is Sunita Bai Chajed, my grandmother, and she is my mother Anupriya Chajed. So we've been with this institution since past 6 or 7 years. तो हमारे यहाँ के सारे जो दिवाली के लिए भी gifts आते हैं वो भी यहीं से आते हैं. और उसके अलावा जो हमारी दिवाली का शॉपिंग होता है वो यहीं से होता है. कस्टमर सर्विस से लेकर ज्वेलरी से लेकर एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. इवन द क्रू हियर हेल्प्स अ लॉट. द सर्विसेज आर वेरी वेरी नाइस. सो वी आर रियली हैप्पी विद इट. एंड या दैट्स या आई एम रियली हैप्पी एंड वी आर रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ वे. तो अगर हम किसी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं एंड या इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ. द ज्वेलरी इज़ रियली नाइस. हम लोग 6-7 साल से पहन रहे हैं और उसकी क्वालिटी बोलो या उसका शाइन चमक सब वैसे का वैसा ही अभी भी. तो कुछ चेंज नहीं हुआ है. तो अच्छा लगता है कि जब हमारी चीज़ का अप्रिशिएट होती है बाहर भी कि अरे आपने कहाँ से पहना है, कहाँ से लिया है. तो अच्छा लगता है. थैंक यू. मी मृणाली मिलिंद जाधव. मी इथून 15 वर्षापासून शॉपिंग करते आहे. इथला एक्सपिरियन्स पण छान आहे आणि सगळी ज्वेलरी कलेक्शन्स आणि युनिक कलेक्शन असतं आणि नेहमी आम्ही इथेच प्रिफर करतो घेणं. आणि सगळं ज्वेलरी माझी जेवढी पण आहे ती पूर्ण इथलीच आहे. ज्वेलरी तो बहुत ही डिझाईन्स तो युनिक ही रहते हैं और बहुत अच्छे डिझाईन्स रहते हैं. सिर्फ रोकड़े ज्वेलर्स है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं. क्या बताओगे रोकड़े ज्वेलर्स के हैप्पी कस्टमर. सीज़न 3 में आप हैप्पी कस्टमर्स चुने गए हैं. आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा चुने गए हो, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या बताओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेघा जैन झाड़े है.
और रोकड़े ज्वेलर्स के बारे में बताना चाहे तो जैसे अभी अपन देखते हैं कि जैसे होर्डिंग में एज अ मॉडल वगैरह सब रहते हैं, लेकिन आज एक सर्वसाधारण जो हम है कस्टमर, उन लोगों को जो ये रोकड़े ज्वेलर चांस दे रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए हम तो बहुत खुश है, अरे हैप्पी कस्टमर है रोकड़े के। सही मायने में हैप्पी कस्टमर आप हो। क्या बताओगे यहाँ की ज्वेलरी के बारे में, यहाँ की सर्विस के बारे में क्या? ज्वेलरी डिज़ाइन तो अल्टीमेट रहते हैं यहाँ के मेरे, अने जो भी मेरे पास ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब रोकड़े की है। और मैं 20 साल से रोकड़े ज्वेलर्स की हमें कस्टमर हूँ और यहाँ की सर्विस तो बहुत सही रहती है। यहाँ के जो स्टाफ है आने के बाद हमको अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं, बहुत अच्छी हमको सर्विस देते हैं। तो हमने देखा कि रोकड़े ज्वेलर्स के जो भी हैप्पी कस्टमर्स है, जो भी हैप्पी कस्टमर चुने गए हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक ब्रांड एम्बेसडर होना किसी भी ज्वेलरी शॉप का ये अद्भुत एक अनुभव होता है और जो यहाँ के हैप्पी कस्टमर्स हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। जैसे कि कई हैप्पी कस्टमर्स हैं, उन्होंने ज्वेलरी के बारे में बताया है, देन उसके बारे में रोकड़े ने ये जो अनोखी पहल की है उसके बारे में बहुत ही ये सराहनीय है, ऐसा भी कई कस्टमर्स द्वारा कहा गया है। मेरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।